नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रॉम पालमपुर एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेवलिंग माइल्स। आज हम लोग जा रहे हैं पालमपुर, जो मेन सिटी की साइट सींग्स हैं वो कवर करने के लिए, जैसे कि सौरभ वन विहार, न्यूगल खड, नित्या कैफे और आसपास की जो चीज़ें हैं ट्राई करेंगे कि जो मार्केट है उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और जो अच्छी चीज़ें पता लगेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं। अभी दोस्तों हम इस टाइम पहुंच गए हैं सौरभ वन विहार के पास, और ये न्यूगल खड क्रॉस करने के बाद सौरभ वन विहार का रास्ता आता है। और यहाँ पर पहुंचने के ना दो रास्ते हैं, एक सस्पेंशन पुल बना हुआ है जो कि लकड़ी का है पूरा, और पूरा चलने में ना हिल रहा है, काफ़ी अच्छी हवा भी आ रही है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। ये जो पुल है तकरीबन मैंने अभी पता किया यहाँ से 40 साल पुराना है, और वैसे यहाँ पर साथ ही एक नया पुल भी बन गया क्योंकि ये थोड़ा डैमेज हो चुका है पुल, तो उन्होंने साथ ही एक नया पुल भी बना दिया वहाँ पहुँचने के। अगर आप सस्पेंशन ब्रिज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप कार पार्किंग जो है ना इसके इस तरफ ही कर दीजिए। वैसे जो कार पार्किंग है वो नए वाले फ्लाईओवर से उस तरफ जाके भी एक है, तो अगर आप इतना नहीं जाते वहाँ पर पहुँचना चाहते हो तो नए वाले फ्लाईओवर से सीधा आप उधर भी जा सकते हो, उस तरफ भी एक कार पार्किंग है बिल्कुल ही सौरभ वन विहार के पास। अब आप कुछ यहाँ के ड्रोन शॉट्स के नज़ारे लो और हम वहाँ पर पहुँच के आपको मिलते हैं। विहार में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको एक्वेरियम दिखेगा जहाँ पर काफ़ी तरह की फिशेज हैं, और हर किसी तरह की फिश की ना पूरी डिटेल भी है, अभी क्या उसका नाम है, क्या उसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, कितनी उसकी एज है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बच्चे भी यहाँ पे खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो सौरभ वन विहार कैप्टन सौरभ कालिया जी की याद में हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। कैप्टन सौरभ कालिया जो कि कारगिल युद्ध के एक हीरो थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था 1971 के वॉर में, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक उन्हीं की वजह से इस युद्ध में हमें जीत हासिल हुई। मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें और उनके जोश को। जय हिंद।
हम बोटिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं और बोटिंग के चार्जेस हैं 200 फॉर 4 एडल्ट्स एंड 100 फॉर 2 एडल्ट्स और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वेटिंग टाइम है अराउंड 1 घंटे का। 1 घंटे वेट करने के बाद अब हमारी बारी आई है, तो चलो अब यहाँ के कुछ नज़ारे लो। बोटिंग करके काफ़ी मज़ा आया बट अभी काफ़ी भूख लग गई है, तो बिल्कुल बोटिंग पॉइंट के पास ही ना ये कैफेटेरिया है, चलो यहाँ पर चलकर कुछ खा भी लेते हैं। पापा थक गए हैं बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जैसे शूट वगैरह का, ये वो तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो अब वो कह रहे हैं कि वापस जाने के लिए। तो बाकी जो यहाँ की जगह रह गई हैं जैसे नित्या कैफ़े और विद्यावासिनी मंदिर, मैंने सोचा था वो आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना भाई, एक लाइक एक कमेंट। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेवलिंग माइल्स, बाय बाय।